हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ संदीप। यू आर वाचिंग एसएमएस इंडिया हब और आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स के ऊपर। दोस्तों, अगर आप एक फेसबुक एड्स से रिलेटेड कोई भी क्लाइंट को सर्च कर रहे हैं, या आपका खुद का एड एजेंसी है, या आप फ्रीलांसर हैं और फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। इसमें आपको मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे आपके बिजनेस से रिलेटेड या फेसबुक से रिलेटेड जो क्लाइंट आप सर्च कर रहे हैं उनको आप इजीली ढूंढ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें कुछ एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी, गूगल सर्च की ज़रूरत पड़ेगी, तो देख लेते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से एक्सटेंशन की ज़रूरत है। तो आपको सबसे पहले लेना है ऊबर सजेस्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। आपको इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को सर्च करने के लिए गूगल ब्राउज़र को, मतलब क्रोम ब्राउज़र को ऑन करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। देन आपको मोर टूल्स में जाने के बाद एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। देन अगेन क्लिक ऑन दीज 3 बार एंड देन ओपन क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, ये जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ऊबर सजेस्ट। ओके, तो जैसे ही आप ऊबर सजेस्ट करेंगे, ये आपको इंस्टॉल करना है। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया। मैं इसके अलावा मैं अब इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए एक और एक्सटेंशन, जो कि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। उसका नाम है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। उसको भी सिंपल आपको यहाँ पर सर्च करना है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर। ठीक है, तो ये वो एक्सटेंशन है। तो ये दो एक्सटेंशन की हमें ज़रूरत है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये फेसबुक पिक्सल आ गया, ये ऑलरेडी एडेड है, तो ये यहाँ पे डला हुआ है। अब करना क्या है हमें इन दोनों एक्सटेंशन का, तो सबसे पहले आप एक गूगल ब्राउज़र पे जाइए। तो गूगल पे मैं आ गया हूँ। ब्राउज़र में मैंने google.com ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर है ना, हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक कोई भी कमांड फायर करते हैं, जिस भी निश के आपको क्लाइंट टारगेट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो बल्क एसएमएस के लिखता हूँ, मैं बल्क एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर इन मुंबई। ओके, तो मैंने ये लिखा है। कुछ बॉटम में एड्स चल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये AD जो लिखे ना, ये सारे एड्स रन हो रहे हैं। SMS फ्रेश करके कंपनी, इसका भी एड रन हो रहा है, और यहाँ पे ऐसे 3-4 कंपनियों के एड रन हो रहे हैं। ओके, तो मैं इसको है ना क्विकली है ना न्यू ब्राउज़र में ऑन कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको न्यू ब्राउज़र में ऑन करता हूँ, मेरे सारे एक्सटेंशंस काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि ये फेसबुक पिक्सल है ना, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है, मतलब इस वाली वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कैसे पता चलता है कि फेसबुक पिक्सल लगा है कि नहीं लगा? तो फॉर एग्जांपल मैं आपको, हमारी जो वेबसाइट है smsindiahub.in, इसको मैंने ऑन किया है, और यहाँ पे आप देखिए कि ये दिया है ना, यहाँ पे वन आ गया है। इट मींस हम फेसबुक पिक्सल यूज़ कर रहे हैं, और हम फेसबुक ऐप भी लाइक पेज व्यू ये सब हमें ना ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फेसबुक पिक्सल इस पर इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो मतलब ये आपका एक पोटेंशियल क्लाइंट है, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। दूसरा, क्यों इसको टारगेट कर सकते हैं, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बल्क SMS सर्विस प्रोवाइडर इन मुंबई करके कीवर्ड टाइप करा है, तो यहाँ पे जो मंथली सर्चेज हैं इसकी कितनी, 320 शो हो रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऊबर एक्सटेंशन, ये मेरे को बता रहा है। एंड CPC जो है, कॉस्ट पर क्लिक जो आ रही है, वो 157 रुपये आ रही है। मतलब 157 रुपये क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हाई है, एंड जो इसकी सर्च डिफ़िकल्टी है वो 27 है। तो इस वजह से इसमें ये जो आपको देखना है कि इस तरीके की जो CPC होती है बहुत हाई होती है। तो आप इस क्लाइंट से बात करके उसको बता सकते हैं कि आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो बहुत हाई जा रहा है। अगर आपको इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो आप फेसबुक एड्स के ज़रिए इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है, जैसे कि इस वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर अभी मेरे को कोई भी फेसबुक पेज वगैरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा एड रन हो रहा है, कौन सा एड आपका कॉम्पिटिटर रन कर रहा है। मतलब अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आप वो भी देख सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरीके के एड्स रन कर रहे हैं, और उनको उनके एड्स भी आप आसानी से देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं इस फेसबुक वाले पेज पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे एक पेज सर्च कर लेता हूँ मैं, जो जो भी पेज मेरे को अगर सर्च करना है।
तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं यहाँ पे SMS इंडिया हमारी एक पेज है, ये सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद जब आप इस पेज को सर्च करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर इस पेज पे क्लिक करना है। एंड द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस पेज, क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यस, ये पेज ट्रांसपेरेंसी पे आपको आना है। देन सी ऑल पे क्लिक करना है। सी ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख जाएगा दिस एड्स फ्रॉम दिस पेजेस, और यहाँ पे नीचे एक लाइन दी है दिस पेज इज़ नॉट करंटली रनिंग एनी एड्स। तो दिस इज़ दी वे आप इससे चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐड रन हो रहा है किसी पर्टिकुलर पेज पर या उसकी वेबसाइट पर। यहाँ पे हम और भी देख लेते हैं, अगर आपको इसका लाइव डेमो देना है, जैसे कि ये कोई शशांक श्रीवास्तव की का पेज है और इस पर ये ऐड रन हो रहा है, आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। अब आप जैसे मैं इस पेज पर जाता हूँ एंड इस पेज पे जैसे नीचे जाऊंगा, यहाँ पर मेरे को ट्रांसपेरेंसी वाला एक ऑप्शन दिखेगा, पेज ट्रांसपेरेंसी ये आ गया है। देन मैं सी ऑल पे क्लिक करूँगा। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स। ओके, इफ़ आई क्लिक ऑन गो टू एड लाइब्रेरी पे जाने के बाद आई कैन सी कि कौन कौन से एड्स इस पेज पर रन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये वाला एक ऐड अभी एक्टिव है जो चल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप का कोई कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके का ऐड रन कर रहा है। दूसरा, फेसबुक से रिलेटेड अगर आपको क्लाइंट निकालना है वो कैसे निकालेंगे, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। आपको गूगल सर्च में जाना है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड टाइप करना है जिस भी निश में आपको काम करना है। तो SMS की इसमें अगर मैं देखता हूँ तो ये तीन ऐड रन हो रहे हैं। मैंने इस वेबसाइट को चेक करा था, इस वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल के थ्रू मैंने देखा कि कोई भी पिक्सल इसमें नहीं लगा है, मतलब किसी भी तरीके का ऐड रन नहीं हो रहा है। दूसरा, ये गूगल ऐड रन कर रहा है जिसकी जो CPC है वो अप्रॉक्स 157 रुपीज़ के आसपास आ रही है, विच इज़ वेरी हाई। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से बात कर सकते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए कम पैसों में फेसबुक एड्स की मदद से अच्छा खासा ऐड कैंपेन रन कर सकते हैं और अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।